हमारे चैनल पर वापस स्वागत है। आज हम प्राचीन मिस्र की दुनिया में जा रहे हैं ताकि हम इतिहास के एक दिलचस्प चेहरे क्लियोपेट्रा के छुपे हुए रहस्यों को खोल सकें। एक अद्भुत यात्रा के लिए तैयार रहें। क्या आप जानते हैं कि क्लियोपेट्रा वास्तव में मिस्री नहीं थी? वह अलेक्जेंड्रिया में जन्मी थी, एक शहर जो अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है, और उनकी मूल की थी मैसिडोनियन ग्रीक। उसके परिवार ने अलेक्जेंडर द महान की मृत्यु के बाद मिस्र का शासन संभाला था। क्लियोपेट्रा केवल एक शक्तिशाली शासक नहीं थी बल्कि एक अद्वितीय भाषाविद भी थी। उन्होंने कम से कम 9 विभिन्न भाषाओं में बोलने का ज्ञान रखा, जिसमें मिस्री और ग्रीक भाषा शामिल थी। इस भाषाई दक्षता ने उन्हें विभिन्न पृष्ठभूमियों से लोगों के साथ संवाद करने और उनकी साम्राज्य को मजबूत करने की स्थिति में मदद की। क्लियोपेट्रा के जीवन के एक सबसे रोचक पहलू में यह है कि वह विज्ञान और सौंदर्य में रुचि रखती थी। उन्हें विभिन्न सौंदर्य उपचारों का प्रयोग करना अच्छा लगता था, जैसे कि दूध और शहद में नहाना ताकि उनकी त्वचा निखारी बनी रहे। हालांकि क्लियोपेट्रा बस सुंदरता का प्रतीक नहीं थी, वह एक चालाक और रणनीतिक नेता भी थी, जिन्होंने जूलियस सीजर और मार्क एंटनी जैसे प्रभावशाली पुरुषों के साथ संबंध बनाए ताकि अपने राज्य की सुरक्षा कर सकें और अपने प्रभाव को बढ़ा सकें। कुछ लोग यह मानते हैं कि उनकी आकर्षण और बुद्धिमत्ता उनके सबसे शक्तिशाली हथियार थे। दुर्भाग्यवश, क्लियोपेट्रा का राज एक दुखद अंत तक पहुंचा। मार्क एंटनी की पराजय और अलेक्जेंड्रिया के गिरने के बाद उन्होंने खुद ही अपने जीवन का अंत कर दिया, शत्रुओं द्वारा गिरफ्तार होने के बजाय। उनकी मृत्यु ने प्टोलेमेक वंश का अंत किया और मिस्र में रोमन शासन की शुरुआत की। क्लियोपेट्रा की विरासत आज भी हमें आकर्षित करती है और प्रेरित करती है। उनकी कहानी हमें बुद्धिमत्ता, कूटनीति और संयम की शक्ति की याद दिलाती है। इस अद्भुत इतिहास की यात्रा में शामिल हों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।